हेलो गाइस, वेलकम टू माय एआरजे चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं स्टूडेंट माइक्रोस्कोप की। आज हम आपको स्टूडेंट माइक्रोस्कोप के बारे में बताएंगे। आप जैसे देख रहे हैं, ये माइक्रोस्कोप है। इसकी जो ये जो लेंस है, 10x आईपीसीस कहते हैं इसको। इसके ऊपर हम आँख लगा के जो जैसे आप देख रहे हैं, ये आईपीस है, इसके ऊपर हम आँख लगा के देखते हैं, तो इसको इसलिए आईपीस कहते हैं। और आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लेंस दिए गए हैं दो, एक 10x का और एक 40x का। इसकी ये बॉडी दी गई है और ये आप देख रहे होंगे, यहाँ स्टेज दी गई है। जो माइक्रोस्कोप स्लाइड्स होती हैं उसको यहाँ पर रखते हैं, और इसके दो ये पिंस दी गई हैं ताकि स्लाइड्स इधर उधर ना होए, ताकि वो एक जगह सेट रहे, इसलिए इसको पिंस दी गई हैं। और आप जैसे देख रहे हैं, इसकी ये नोब दी गई है, ये फोकस नोब होती है और ये फाइन नोब होती है। आप जैसे देख रहे हैं, यहाँ पे ये कंडक्सर दिया गया है, ये कंडेंसर दिया गया है, इससे आप लाइट को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और ये मिरर दिया गया है यहाँ पे। और आप जैसे देख रहे हैं, ये आर्म्स होती है इसकी, इससे हम इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। सो गाइस, जो स्टूडेंट होते हैं इसको अपने प्रैक्टिकल के लिए यूज़ करते हैं, और जो लैब में इसका यूज़ होता है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी और फिजियोलॉजी जो, और ये जो इसका जो ये मिरर दिया गया है, ये लाइट सोर्स का काम करता है। आप जैसे देख रहे हैं, ये 10x का आईपीस होता है, और एक ये जो यहाँ पे लेंस दिया गया है, ये 10x का होता है। 10x इज इंटू 10x 100x होता है, जो ये 100 टाइम मैग्निफिकेशन करके दिखाएगा हमको। आप जब भी इसका यूज़ करें तो ये नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और इसको जब भी कहीं पर रखें स्टेबल होना चाहिए ये। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।